रोपड़ दे विच चार दोस्तां दे वलों अपने जिगरी यार दा कतल कर दिता जांदा है। उम्र 23 साल सी। दसिया जा रहा है परिवारिक मैंबरां दे बयानां मुताबक कि चार दोस्त घर आउंदे ने, उस उन्हां दे पुत नूं नाल लैके जांदे ने, शराब पिलाउण दे लई लैके जांदे ने, ते उस वेले उन्हां दे विचकार कोई हंगामा हो जांदा है, बहस हुंदी है, ते जिस तों बाद तेज़धार हथियारां दे नाल उन्हां दे पुत ते वार कीता जांदा है ते पुत मौके ते दम तोड़ दिंदा है। पुत दी देह देखी नहीं जा रही, माँ रोंदी नहीं देखी जा रही, तस्वीरां सामने आईयां ने, माँ अपने पुत दे लई विलक रही है। फिलहाल पुलिस के वालों मामले की जांच की जा रही है। पीड़ित परिवार के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है, क्योंकि परिवार का कहना है कि चार दोस्त जिन्होंने कोई पुरानी रंजिश कढ़ी है घरे आते हैं, उन्होंने पुत को नाल लेके जाते हैं जिसकी उम्र 23 साल सी, शराब पिलाने का बहाना लेके जाते हैं, शराब भी पिलाते हैं, तो इस दौरान उन्होंने विचकार किसी गल नूं लेके बहस हुंदी है, तो तेज़धार हथियारों के नाल शैणियों के नाल उसके सिर पर वार किए जाते हैं, तो उसका सिर ही पाड़ दिता जाता है। माँ रो रही है, परिवार विलक रहा है, अपने पुत के लिए तरस रहे ने, जिहड़े मुलजम ने उन्हां खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। की कुछ कह रहा है परिवार, पुलिस की कार्रवाई कर रही है, आओ सुनते हैं। कुछ नहीं, मेरी आटो की चोरी हुई है हफ्ता पहले, चोरी हुई है, दरखास्त लिखाने आप थाने आए हैं, इतने अब दरखास्त लिखाई यूनिवर्सिटी के 12-13 दिन हो गए ने, इन्होंने कोई गेड़ा नहीं मारिया, कोई पकड़ नहीं करी, कोई उत्थे गेड़ा गूड़ा नहीं रखिया, तो असं फोन पर फोन कर रहे हैं, आ भी रहे हैं कि आओ तुम सा चोरी हो गई, बंदे फड़ ले रहे हैं, तो वो साडे मुंडे ने उन्होंने पूछा होना में कि तू कहता मैं साडे आटो की क्यों चोरी करी है, कहता है ना तू पी खा लै तो चोरी चारी, तू अपनी माँ ना दसी कि असी चोरी की है, तो वो मुंडे को फिर रात को 10 बजे बुला के उन्होंने मारता। पता लगे सानू कोई पता नहीं लग्या, रात सवेरे पता लगे 4 बजे, किस चीज नाल मारया है, हिस्सा दी मारिया तोड़िया नाल ते सिला मारिया ने सिर च। किन्ने बंदे सी? 4 बंदे, बंदे 4 ने, बाकी उदा नाल होण ते कोई पता नहीं। तुहानू किवें पता लग्या? असीं सवेरे मैं नानी वाल मुंडा सौंदा, मैं माता मेरा मुंडा कहिंदी रात दा आया नहीं, उत्थे सदा वर्तन विच हर वारी कुछ ना कुछ हुंदा रहिंदा, कोई उत्थे किसी चीज दा गेड़ा नहीं, कोई सहूलत नहीं, कोई कुछ नहीं हैगा। पुलिस ने सारा दस रहे, पुलिस को रोज गेड़े मारा भी आवो, पुलिस कोई सुनवाई नहीं हो रही सर, साडी पुलिस विच इह है जी, असीं वध तों वध सजा करवाना चाहुंदे जी, उहनूं बेनजायज मारिया जी मेरे भरा नूं, बाकी तुसीं पुछ सकदे जी महल्ले तों जी, उह किन्ना कु रहिंदा रिहा जी उहनां नाल, होया की हैगा जी, उहनां दी उहनां ने खार कड्डी है जी उहनां नाल जी, इही आटो दे मामले वाली जिहड़ा मम्मी ने दस्सिया जी, पहले चोरी करी ना बंदे कोल सी, दोस्त सी कौन? दोस्त ही हां जी, उहदे दोस्तां ने मारे जी, धोखे नाल बुला के रात जा के लेके गए ने, पर राजा घर कांसी चली है घुम्मण फिरन किते, लड़की सीमा इनफॉर्म किया डेडबॉडी मिली है कतल हो गया, सो असी मौके पर जो पहुंची पुलिस पार्टी मौके तो असी इन्वेस्टिगेशन की, आधार से होर असी विटनेस शामिल करके जी कोशिश की है, वो आधार से साढ़े को जड़ा डिसीज्ड गुरमीत सिंह हैगा जोड़े वारसा ने बयान दर्ज कराया कि इन्होंने महल के रहने वाले जो 4 व्यक्ति
जोड़े कि इन्हों के लड़के के दोस्त से वो कल रात को घर तो लाए से शराब पिलाने के बहाने तो मुड़ के जोड़ा शराब पीने उन्होंने जी झगड़ा हो गया तो उन्होंने उधर जो सिर च पत्थर मार के छाइया मार के उसका कत्ल कर सो असी वारसा के बयान के आधार पर असी मुकदमा दर्ज करता अगली जी पटिशन टीम अरेस्ट भी मूव कर चुकी हैं।